हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू बीपीएससी पी वाला टुडे इज ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अगस्त आज इक्कीस अगस्त है और हम देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है उसका हम एनालिसिस करेंगे हमारे प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए जो भी ज़रूरत होगा उसको हम देखेंगे तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट पहले आपसे जो सवाल पूछा गया था उसको एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे डिस्कस कर ले रहे हैं जो कल का सवाल था वो पिछले बी में पूछा गया था क्या विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स ये जो चारों लिखा हुआ है वो पोर्ट का नाम लिखा हुआ है जिसको क्या कहते हैं कॉल्ड बाबुल मक्का जिसको के, के, उसका मतलब क्या होता है बाबुल मक्का का गेट ऑफ मक्का कि जो मक्का जो होता है मुस्लिमों का क्या होता है तीर्थ होता है है ना रिलीजियस रिलीजियस प्लेस है इसलिए उसको बोलते हैं कि मक्का जाने का रास्ता था गेट था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड कालीकट सूरत कैम्बे और भरोच तो उसमें कौन सा सही आंसर था वो था सूरत अब देखते हैं सूरत जो है पोर्ट सिटी ऑफ गुजरात अगर हम देखेंगे एंशियंट एरा से ही वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और जूसी को क्या बोलते थे हम लोग बाबुल मक्का गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड बिकॉज इट्स अर सिग्निफिकेंट डिपार्चर पॉइंट ऑफ मुस्लिम पिलग्रिमेज ट्रेवलिंग टू मक्का फॉर हज हज के लिए वो मक्का जाया करते थे ठीक है अगर हम बात करेंगे तो सिटी ज मेजर हब हाँ पोर्ट फॉर ट्रेड कॉमर्स एंड पर्टिकुलर विद मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट से ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हब बन जाता है एंड इट प्लेड ए इसेंशियल रोल इन पिलग्रिमेज रूट्स टू मक्का अगर हम देखेंगे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की तो जो सूरत है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगली राय से ही मुगल से ही बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट रहा है और ये किस चीज़ में थ्राइबिंग ट्रेडिंग टेक्सटाइल स्पाइसिस एंड प्रीशियस स्टोन्स है ना ट्रिलेज इंपॉर्टेंस की बात करें तो बाबुल मक्का जो है हाईलाइट क्या करता है सूरत के जो सूरत जो जगह है जो शहर है उसके इम्पॉर्टेंस को नॉट जस्ट फॉर कॉमर्शियल सेंटर बट ऑल्सो फॉर स्परिचुअल एंड रिलीजियस गेट वे ऑफ पिलग्रिमेज इन सब कॉन्टिनेंट अगर हम इकोनॉमिक की इम्पैक्ट की बात करेंगे तो पोर्ट जो है वो प्ले क्या करता है फैसिलिटेटिंग हज जर्नी वह जो हज हज के लिए जाते हैं ब्रॉट इकोनॉमिकल बेनिफिट्स टू सूरत फर्दर बूस्टिंग द स्टेटस एज अ प्रोस्पेरस एंड कॉस्मोपॉलिटन सिटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ठीक है तो ये जो सब ये क्वेश्चन है वो पूछा इसलिए गया था ये हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंट को दिखाता है सूरत के बारे में ड्यूरिंग द मुगल इरा अब अगला सवाल पे आते हैं अगला सवाल आपसे सीधा एन जो इलेवेंथ का इकोनॉमिक का जो इलेवेंथ है बुक है एन का उससे पूछा गया था कि जो प्राइमरी गोल ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंडिया इज जिन्होंने भी अच्छे से इलेवेंथ का जो एन पढ़ा होगा तो डायरेक्ट सवाल है कि कि जो रूरल डेवलपमेंट हमारे देश में इंडिया में जो रूरल डेवलपमेंट है उसका प्राइमरी गोल क्या है तो पहला इसमें अगर देखेंगे तो ये दोनों को तो आप ऐसे ही इलिमिनेट कर सकते हैं कि शिफ्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन अर्बन सेंटर कि अर्बन सेंटर को जो शिफ्ट रूरल पॉपुलेशन को कर देंगे ये तो नहीं होगा रिड्यूस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अगर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को कम कर देंगे और प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारा पेट भर जाएगा अनाज कहाँ से आएगा हमारे लिए ठीक है तो ये तो आप इलिमिनेट कर सकते हैं कन्फ्यूजन होगा आपको ये दोनों में कि इंक्रीज अर्बनाइजेशन क्योंकि आपको अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया था कि हम रूरल एरिया को अर्बनाइज कर सकते हैं और दूसरा कि एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिकल वेल बीइंग ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन को उनके जीवन का क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारा जा सकता है और इकोनॉमिकल वेल बीइंग को भी ठीक किया जा सकता है तो आंसर हमारा क्या है यही सही है ठीक है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं रूरल डेवलपमेंट एम्स टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या कि जो है फोकस है रूरल डेवलपमेंट का टू इंप्रूव द लिविंग कंडीशन एंड इकनोमिकल अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल पॉपुलेशन तीसरा क्या था कि जो शिफ्ट करने की बात कर रहे थे हम अर्बन सेंटर को शिफ्ट करेंगे वो भी गलत है कि तो रूरल डेवलपमेंट सीक टू इंप्रूव रूरल एरियाज नॉट टू डीपॉपुलेट डेम इन फेवर ऑफ अर्बन सेंटर और चौथा रिड्यूस एग्रीकल्चर एक्टिविटी टू प्रोमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी क्या है इन करेक्ट है रूरल डेवलपमेंट इंक्लूड क्या करता है इंप्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नॉट रिड्यूसिंग इट हम क्या करना चाहते हैं मैकनाइजेशन करके उसमें हम मॉडर्न टेक्निक का यूज करके हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी को क्या करना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं ना कि उसको कम करना चाहते हैं ठीक है सो so, इनिशिएटिव लाइक महात्मा गांधी रूरल इंप्लायमेंट गारंटी स्कीम जिसको क्या बोलते हैं मनरेगा वो एम क्या करता है एम टू एनहेंस द रूरल लाइवलीहुड बाई इम्प्रूविंग इंप्लायमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज समझ गए तो अब हम चलते हैं सबसे पहले हेडलाइन पे कि आज का हेडलाइन क्या है सो दिस इज द टूडेज हेडलाइन आपको पता है कि लेटरल एंट्री को कल चिराग पासवान जी के द्वारा और जेडीयू जो अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसके जो मेन लाइन है उसके द्वारा अपोज किया गया था तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या किया उसको लेटरल एंट्री का जो एडवर्टीजमेंट आया था उसको वो कैंसिल कर दिया और हेडलाइन क्या बना है कि एज इट से लाइज जॉइन अपोजिशन टू अपोज गवर्नमेंट कॉल्स बैक लेटरल एंट्री हायरिंग एडवर्टीजमेंट और ये जो यूपीएससी को दिया गया एडवर्टीजमेंट यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है प्रीति सुदान उनको दिया गया था वो क्या किया कर लिया गया डी के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट एंड पर्सनल ट्रेनिंग जिसके मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैं उनके द्वारा वो कैंसिल कर दिया गया और क्या कह के कैंसिल किया गया कि सोशल जस्टिस को जस्टिफाई नहीं करता है क्या लेटरल इंट्री, ओके तो ये कह के उसको आ, जस्ट ये कैंसिल कर दिया गया हालांकि ओपोजिशन अपने का खुद का वो जीत माना है ठीक है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो जितेंद्र सिंह और यूपीएससी के जो चेयरमैन है वो कौन है प्रीति सुदान दो यहाँ से करेंट अफेयर का सवाल बनता है ठीक है उसका आधारिफिक क्राइम वाट वेर द पुलिस डूइंग वेन मॉव हिट द हॉस्पिटल सुप्रीम कोर्ट पुल्स ऑफ बंगाल सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कल हियरिंग हुआ था वो जो आर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी मर्डर रेप करके करने के बाद जो जूनियर डॉक्टर का मर्डर कर दिया गया था उसी के लिए वो बहुत ही पूछ रहे थे कि हॉरिफिक क्राइम है, कैसे हो गया और पुलिस क्या कर रही थी मो कैसे हिट कर दिया हॉस्पिटल को ठीक है उसके बाद यहाँ देखेंगे कि एक बहुत ही प्यारा सा पिक्चर है कि मोदी जी किससे मिल रहे हैं मोदी जी मिल रहे हैं मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम से ड्यूरिंग द सेरेमोनियल रिसेप्शन एट राष्ट्रपति भवन ऑन ट्यूजडे फॉलोइंग टॉक्स बोथ कंट्री इलेवेटेड दियर टाइज टू ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये दोनों मिल रहे हैं और कल हमारे यहाँ आए हैं इनसे बात की गई है ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे एडवर्टीजमेंट एक ऐड आया हुआ किसका यह कंपनी है आर ई सी सी का मतलब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए आरई सी का मतलब होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेट कारपोरेशन लिमिटेड ठीक है ये क्या है एक महारत्ना कंपनी है किस तरह तीन तरह की कंपनी होती है ठीक है एक होता है मिनी रत्ना मिनी रत्ना उसका होता है नवरत्ना और तीसरा होता है महारत्ना आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ कंपनीज जो है महारत्ना है आपको कमेंट करके ये बताना है कि नंबर ऑफ महारत्ना कंपनीज इन इंडिया ठीक है आपको बताना है कि कितनी महारत्ना कंपनी है और चलिए आपको ये भी बताना है कि कब कौन सी कंपनी का ट्रांजेक्शन कितना होता है उसका प्रॉफिट कितना होता है तब उसको मिनी रत्ना में रखते हैं नवरत्ना में रखते हैं और महारत्ना कंपनी का हम उसको क्या देते हैं ये टैग देते हैं कि दिस कंपनी इज़ महारत्ना कंपनी और कौन कौन सी कंपनी है अगर आपको तेरह का भी पता होगा तो कमेंट करके वो भी बताएगा आपका रिवीजन हो जाएगा ठीक है ये मेनली जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती आ रही सी ठीक है तो उसी के द्वारा इसके अगर डायरेक्टर की बात करें तो वो कौन है विवेक सिंह देवांगन ठीक है अब हम देख लिए हेडलाइन अब हम चलते हैं जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है उसके डिस्कशन पे तो पहला आर्टिकल हमारे लिए क्या है कि एम पॉक्स आउटवेक जो आपको पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आ चुका है दस्तक दे चुका है तीन चार केसेस मिले हैं तो उसी के डर से कि हमारे अगर देश में भी ऐसा फैलता है तो पहले से हमारा क्या होना चाहिए प्रिपरेशन डन होना चाहिए उसी के लिए जो है इस एम्स जो है वो इशू क्या है क्या एस ओ पी टू तो स्क्रीन टैकल केसेस और उसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट है वो तीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेडी कर ली है कौन कौन सा एक लोकनायक दूसरा जी और तीसरा बाबा साहेब अम्बेडकर ये तीन हॉस्पिटल में बोला गया है कि क्वारंटीन फैसिलिटी से लेके सारी व्यवस्था जो एम पॉक्स के लिए होना चाहिए वो डन कर दिया गया है ठीक है आपको बस सिम्टम पता होना चाहिए सिम्टम क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्किन लेजन्स है ना स्वेलिन लिम्प नोड्स एग्जॉशन मसल एक बैक पेन हेडअक चिल्स फीवर अगर आपको भी इस तरीके का कुछ आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे खुद को क्वारंटीन करेंगे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करेंगे कि ये दीज आर द सिमटम्स ऑफ एम और आपको सही व्यवस्था कर दिया जाएगा ठीक है बाकी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं हम आपको एम पॉक्स पे एक बहुत ही डिटेल वीडियो इस संडे को लेके आएंगे जिसमें आपको यह पता होना चाहिए सब कुछ बताया जाएगा कि एम पॉक्स कैसे आया एम मंकी पॉक्स नाम कैसे दिया गया फिर इसको कैसे क्रिटिसाइज किया गया है ना इसमें कौन सा वायरस किसके कारण यह फैलता है इसमें सिम्टम क्या क्या होता है कितना मोर्टेलिटी रेट है सब कुछ आपको डिटेल वीडियो में एक पाँच से दस मिनट का वीडियो आएगा जिसमें संडे को आपको बताया जाएगा ठीक है अब चलते हैं अगला आर्टिकल पे जिसमें आप देख रहे हैं थर्ड जापान इंडिया टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल मीटिंग तो टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल मीनिंग होता क्या है मीटिंग इसमें टू प्लस टू का मतलब क्या है कि हमारे देश के दो मिनिस्ट्री और जो काउंटर पार्ट कंट्री है उसके दो मिनिस्टर आएंगे उसी को वो क्या हो गया टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये क्या है देख रहे हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये कौन है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर तो वहाँ भी वहाँ के कौन होंगे जापान के एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तो जापान के डिफेंस मिनिस्टर किहारा मिनोरू और फॉरन मिनिस्टर कामी योको ये कामी योको वहाँ की कौन है फॉरन मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के कौन हैं किहारा मीनोरू और हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर जो दोनों में कहाँ मीटिंग हुआ दिल्ली में तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि, कि किस बात पे मीटिंग हुआ किस बात पे हमार हम, हम सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो कौन क्या बोला गया कि ऑन ग्लोबल डिस्प्यूट आपको पता है कि अभी ग्लोबली बहुत डिस्प्यूट चल रहा है रशिया यूक्रेन में चल रहा है उधर इजराइल गाजा फिलिस्तीन में चल रहा है तो वो बोला जा रहा है कि ग्लोबल डिस्प्यूट के दौरान भी इंडिया और जापान रीअफॉर्म पीसफुल सेटलमेंट नीड है ना हम लोग को पीसफुल सेटलमेंट नीड रीअफॉर्म कर रहे हैं बोला क्या गया कि इंडिया एंड जापान ट्यूजर सेट दैट रीफॉर्म दियर कमिटमेंट टू मेंटेनिंग में रूल्स बेस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर फाउंडेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर यूएन चार्टर पे जो भी प्रिंसिपल किया गया है उसको ये इसको ये फॉलो करने का कोशिश करेंगे और क्या करेंगे री स्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी अपने देश के सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हम किससे करेंगे आराम से करेंगे पीसफुल सेटलमेंट करना की कोशिश करेंगे अब हम बात किस चीज़ पर करें हैं इस बात सेटल जो ज्वाइंट स्टेट रिलीज बाई बोथ कंट्री फॉलोइंग द थर्ड जापान हम लोग की कि कितना ये किस कित ती तीसरा हमारा क्या था टू प्लस टू फॉरन एंड डिफेंस मीटिंग था है ना जो कहाँ हुआ न्यू दिल्ली में प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम तीसरा मीटिंग किए हैं कहाँ किए हैं न्यू दिल्ली में किए हैं और अगला कहाँ होने वाला है बोला गया कि अगला हम लोग कहाँ करने वाले हैं दे हैव डिसाइडेड टू होल्ड द नेक्स्ट टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन जापान ठीक है फिर वही लिखा हुआ है कि कौन कौन थे आ, किहारा मोनोरू और कामिकावा योको अब जॉइंटली जो बेलकम को क्या पॉसिबिलिटी है फर्दर इन्हांस द बायोलिट्रल सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन पे बात किया गया है बाइलेट्रल सिक्योरिटी हम एक दूसरे को सिक्योरिटी में जो भी टेक्नोलॉजी है आइडियाज है उसको वो शेयर करेंगे और क्या करेंगे डिफेंस ऑपरेशन करेंगे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी जो डिफेंस पर्सनल्स है वो वहां जाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो जापान से आएंगे ठीक है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ जापान इन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड री ऑर्गेनाइज सच ऑपर कोऑपरेशन एंड इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ जापान इंडिया स्पेशल स्ट्रेटजी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ठीक है ये जो एग्रीमेंट बनने वाला है दे ऑल्सो एग्री टू कंटिन्यू द वर्किंग टूगेदर ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म व्यू टू स्ट्रेंथनिंग द यू एन है ना यू एन में आपको पता है कि सात मेंबर हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं इंडिया मेंबर है जी नहीं इंडियन मेंबर बनना चाह रही है जी हाँ लेकिन बीटो कौन लगा देता है हमारा जानी दुश्मन चाइना ठीक है बाकी हम यहां क्वाड का भी बात की आपको क्या बताना है क्वाड में कितने मेंबर हैं और कौन कौन मेंबर हैं ठीक है और किस चीज पे बात की गई ग्राउंड व्हीकल यू रोबोटिक्स पे अनवाइंड ग्राउंड व्हीकल पे भी बात की गई उसमें भी हम टेक्नोलॉजी जो होगा उसको ट्रांसफर करेंगे कि सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द कॉपरेशन इन द एरियाज ऑफ अनवाइंड ग्राउंड व्हीकल सो दीज आर द टॉपिक्स जिसपे हम मीटिंग में बात किया गया इंडिया और टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ठीक है अब चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल पर हमारा अगला आर्टिकल है वो क्या है कि एमपी में ना जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है और शहदोल फॉरेस्ट सर्किल शहदोल फॉरेस्ट सर्किल जो है वो एमपी और छत्तीसगढ़ का दोनों रीजन को मिला के वो जंगल एरिया बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं शहदोल फॉरेस्ट सर्किल दोनों को मिला के बोला गया है कि फोर्टी थ्री टाइगर का डेथ हो चुका है दो हज़ार इक्कीस दो हज़ार तेईस तक जो क्या है अलार्मिंग है और वो बोला गया है कि एक रीजन तो एन टी सी ए जो है है ना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी आपके बार इसके बारे में आपको डिटेल में बताएं कि कब बना है ना अगर आपको मन करेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एन टी का क्यों फॉर्म किया गया था और कब फॉर्म किया गया था तो बोला गया कि साउट ए रिस्पॉन्स किससे मध्य प्रदेश वाइल्ड डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से और बोला गया कि एक एस बनाइए और बताइए हमको कि इतना सारा टाइगर का डेथ कैसे हो गया इसमें बोला जा रहा है पोचिंग का है ना कि पोचिंग के लिए मार दिया गया होगा वो बोला गया कि पोस्टमार्टम प्रोसेस में भी थोड़ा निगलिजेंस दिखाया गया है ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है जानना कि टाइगर रिजर्व एम में कौन कौन सा है सो दिस इज़ द मैप दिस इज़ टेकन फ्रॉम एन का वेबसाइट से और हम देखेंगे कि वहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि एम में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है तो ये है एम ठीक है ये एरिया जो है वो क्या है एम में आता है ठीक है तो वहाँ देखेंगे तो कौन कौन सा है सतपुरा है सतपुरा के बाद पेंच है है ना बिरांगना दुर्गावती है पन्ना है रानीपुर आपका यूपी में आ जाता है संजय दुबरी है संजय दुबरी जो है बांधवगढ़ है और कान्हा है ठीक है और ये जो एरिया है ये जो एरिया है उसी को हम क्या कहते हैं वही जो एरिया है वो क्या है हमारा शहदोल फॉरेस्ट सर्किल में आता है शहदोल फॉरेस्ट सर्किल में आता है तो ये दोनों ये बांधवगढ़ एरिया और शहदोल सर्किल यहाँ मिला के कितना टाइगर का डेथ हो गया है फोर्टी थ्री टाइगर्स आर डाइड ओके okay, अब हम देखेंगे अपने बिहार में तो बिहार में एक लौता एक ही है वाल्मीकि उसके बाद हम देखेंगे बंगाल में तो सुंदरबन और बक्सा ठीक है अगर आपको देखने में लग रहा हो कि बक्सा सिक्किम या आसाम में है तो नहीं दिस इज़ द बाउंड्री लाइन और ये किस में आता है वेस्ट बंगाल में आता है अगर हम बात करेंगे आसाम की तो क्या है मानस औरंग नामेरी काजीरंगा उसके बाद हम काम कमलांग और नाम दफा कहाँ है अरुणाचल में है ठीक है और पक्के भी उसका दम्फा जो कहाँ है आपको बताया था ट्रिक कि क्या है नामामी मतलब ना मा मी मणिपुर ठीक है ना मा मी है ना नागालैंड सॉरी ये मिजोरम है दंपा ये मणिपुर और ये मिजोरम ठीक है तो डंपा कहाँ है मिजोरम में उसका दम देखेंगे झारखंड में कहाँ है तो झारखंड में पलामू है, पलाम है जहाँ की एक भी टाइगर नहीं है जीरो टाइगर्स है उसका दूरी से हम देखेंगे तो क्या है सिमलीपल सतकोसिया और यही दो है उसका यहाँ छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो क्या है अचनाकमर है ना नाबेगांव नागजीरा नाग उसके बाद उदंती सीता नदी और इंद्रावती कवल और अमराबाद कहाँ है तेलंगाना में और ए में क्या है नागार्जुन सागर श्री सैलम ठीक है उसका हम बात करेंगे तो सह्याद्री यहाँ पे हो गया राजस्थान में बात करेंगे तो सरिसका रंथमबोर रामगढ़ और मुकुंदरा हिल्स उत्तराखंड में राजा जी और कॉर्बेट ठीक है यूपी में दुधवा पीलीभीत रानीपुर ठीक है तो दीज आर द टाइगर रिजर्व्स आपको अगर हम साउथ की बात करें तो वो भी रिविजन करवा दे रहे हैं अगर हम केरला की बात करेंगे तो केरला में क्या है पेरियार और पराम्बिकुलम ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु में तो कलक्कड़ मधु मुंदन थुरई उसके बाद ये है श्री श्रीवल्ली पुथूर मेघामलई और सत्यमंगलम और ये क्या है बिली गिरी रंगा स्वामी टेम्पल उसके बाद ये जो किस में आ जाएगा कर्नाटका में कली वादरा और बांदीपुर सो दीज आर द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया आपको ध्यान रखना है इसको रिविजन करते रहिएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ सबसे ज़्यादा हमारा बांदीपुर में ठीक है बांदीपुर और सहदोल फॉरेस्ट सर्किल में ठीक है अब चलते हैं हम अपने अगला अटकाल पर अगला अटकाल हमारा क्या है कि लैंडस्लाइड हो गया है कहा तीस तारीभर में तीस तारीख डैम था वो डैमेज हो गया लैंडस्लाइड के कारण हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है तीस तारीख भर देख लेना और तीसरा रिवर के ट्रिब्यूटरी को देख लेना अगर हम बात करें तीस तारीभर की तो वो सिक्किम की सबसे लार्जेस्ट रिवर में आती है और वेस्ट बंगाल की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर में आती है तीस तारीभर इसका जो कोर्स अगर बात करें तो ये चार किलोमीटर में फैली हुई है ठीक है फोर किलोमीटर तीस तारीवर ठीक है उसके बाद आ, ये कहाँ से निकलती है तीस्ता रिवर राइजेज फ्रॉम पाओ हुनरी माउंटेन से निकलती है जो कहाँ है ईस्ट हिमालय में और ये कहाँ कहाँ को जाती है सिक्किम 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 के बाद ये वेस्ट बंगाल में जाती है ठीक है और वेस्ट बंगाल से ये फिर से कहां चली जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में जाके कहाँ मर्ज होती है पर रिवर में अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो दिस इज द कोर्स ऑफ तीस्ता रिवर वो जेम्बू ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में आपको सुनने में आएगा रैंगपुर रिवर आप नाम सुने होंगे चौ रिवर रानीखोला और तालुंग ये चार फेमस रिवर्स हैं जो आप कहीं ना कहीं सुनते रहते होंगे पढ़ते रहते होंगे वो क्या है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता ठीक है और राइट ट्रिब्यूटरी में जो फेमस है रंगीट रिवर वो क्या है राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता तो इस पर आपको एक पता है जब ये यहां देखेंगे कि सिक्किम यहां से निकल रही है और ये वेस्ट बंगाल होते हुए आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाके यहां ब्रह्मपुत्रा में मिल गई है ठीक है तो इस पर एक डिस्प्यूट है वहाँ के पानी को लेकर किसके किसके किस बीच में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कि व्हाट इज द डिस्प्यूट डिस्प्यूट वांट्स 50 परसेंट ऑफ तीसता वाटर बिटवीन दिसंबर एंड मे एनुअली इंडिया क्लेम से शेयर ऑफ 55 इंडिया जो है 55 परसेंट का क्लेम करती है और बांग्लादेश बोलती है कि 50 परसेंट हमको दे दो हम लोग कितना देना चाह रहे हैं पैंतालीस परसेंट सो यही डिस्प्यूट है किसके किसके बीच में आपसे अगर पूछ दिया जाए कि देर इज अ रिवर डिस्प्यूटेड बिटवीन इंग्लैंड इंडिया एंड बांग्लादेश तो वो कौन सा रिवर है तीसरा रिवर आपको यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा होगा कि यहाँ से निकल रही है सिक्किम में सिक्किम में थोड़ा सा ही फ्लो कर रही है जो क्या है सिक्किम की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर बन रही है सिक्किम के बाद वो वेस्ट बंगाल में आ रही है वेस्ट बंगाल के बाद वो बांग्लादेश में जा रही है और यहाँ मर्ज किस किम से हो रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर में ठीक है तो यही है दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कि वॉट इज तीसता आपको सब कुछ बताए देखिए कि कहाँ से निकलती है ठीक है तो अगर हम बात करेंगे कि इसका जो माउथ है तो माउथ क्या है कहाँ है मेजर ये खांगजी एंड जेमू ग्लेशियर आपको बताएं कि जेमू ग्लेशियर से निकलती है मेजर ट्रिब्यूटरी आपको बताएं तीसरा जो कौन से है राइट ट्रिब्यूटरी है ठीक है इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा सब कुछ आपसे डिस्कस कर लिया है अब चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल पे अगला आर्टिकल हमारा क्या है कि एक नया नेजल स्प्रे बनाया गया है टू लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन जो एक होता है उसके लिए एक नेजल स्प्रे बनाया गया है किसके द्वारा प्रूव कर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसएफ क्या है ये यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या अप्रूव कर दिया है कि पहला सबसे पहला क्या बना है नोजल स्प्रे किस चीज को ट्रीट करने के लिए ट्रीट करने के लिए बना है एनाफिलैक्सिस एना फिलैक्सिस क्या है एनाफिलैक्सिस एलर्जिक रिएक्शन है है ना एलर्जी हो जाता है जिसमें क्या होता है लाइफ थ्रिटर्न हो जाता है कि आपको डेथ होने का चांसेस हो जाता है एनाफिलैक्सिस जनरली जब जब आपको विनम सांप आप काट लिया या कोई जहरीला कीट काट लिया तो ये क्या होता है इस तरीके का जो एलर्जिक रिएक्शन होता है बॉडी में जिसके कारण डेथ हो जाता है उसी के लिए यह स्प्रे बना गया है उसका नाम क्या दिया गया है नेफी ठीक है तो ये ईपी ईपी नेफरीन नेजल बनाया गया है ईपी नेफरीन क्या होता है ईपी नेफरीन को हम क्या बोलते हैं ईपी नेफरीन को हम क्या बोलते हैं और एंड्रलिन बोलते हैं है, है ना आप सुने होंगे कि बॉडी में जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या जोश में को कोई ऐसा काम के लिए बहुत ज़्यादा आप उत्साहित हो जाते हैं तो आपके बॉडी में क्या होता है एंड्रलिन निकलता है है ना जो क्या होता है न्यूरो ट्रांसमीटर और एक हार्मोन होता है एंडरलीन. तो उसी के बेस पे ये बनाया गया है, निफी, जो क्या है इपीने फ्री नेशल बनाया गया स्प्रे जिसको क्या नाम दिया गया नेफी तो आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज नेफी नेफी तो इज नेजल स्प्रे है जो किस चीज को ठीक करता है एनाफिलेक्सिस को हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस चीज को करता है काम ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टाइप वन इंक्लूडिंग दोज दैट आर लाइफ थ्रेटनिंग टाइप वन एलर्जिक रिएक्शंस आर कॉज बाई फूड मेडिकेशन इंसेक्ट बाइट एक्सेट्रा अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग एना एना एनाफ्लिक्स के दौरान क्या होता है तो वो क्या होता है स्वेलिंग हमारा थ्रोट जो है वो स्वेल कर जाता है कफिंग होगा डीजीनेस होगा अफेक्टेड ऑर्गन्स टिपिकली इंक्लूड द स्किन लंग है ना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड कार्डियो वैक्सुलर सिस्टम किसकी जो वो ये अफेक्ट करता है हमारा स्किन को हमारा लंग्स को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और कार्डियोलॉजिकल वेस्कुलर सिस्टम है उसको भी ठीक है अगर हम बात करें एफडीए जो है अप्रूव क्या कर दिया है अगस्त को हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ईपी काम कैसे करता है तो वो क्या करता है कि हमारा एंड्र ग्लैंड है वो रिलीज करता है ईपी नेफलिन हार्मोन जिसको हम क्या बोले थे अभी आपको एंड्रोलिन ठीक है एंड्रोलिन रिलीज करता है किस चीज के लिए कि बॉडी को कोप अप करने के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप अपने बॉडी को जो कोप अप करते हैं संभालते हैं उसके लिए इट बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ मेडिकेशन दैट वर्क फॉर रिलैक्सिंग द मसल्स

ट्रिगर्ड बाई इंसेक्ट बाइट्स और स्ट्रिंग और फूड और मेडिकेशन लैटक्स एंड एन अदर काउ से भी जो जो जिस जिस कारण से क्या अगर आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर लिया है या खाना कोई ऐसा खाएँ जिसके कारण आपको लाइफ थ्रेटरिंग एलर्जी हो गया है तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या इंजेक्शन दिया करते थे लेकिन उसके जगह पर नफी नाम का एक नजल स्प्रे आ गया है अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हाउ कॉमन आर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इन इंडिया तो अगर हम बात करें इंडिया में जो केसेस है एनाफिलेक्सिस का वो क्या है कि क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन वेर वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन ट्रिगर द पेशेंट कोमोरबिडिटीज एज एंड वेदर दे आर ऑन मेडिकेशन की वो कोई दवा पे हैं तब या तो उनके एज पे डिपेंड करता है अगर हम बात करें कि थ्री मोस्ट कॉमन एलर्जी आर फूड किसके किसके कारण इंडिया में होता है तो वह नट्स खाते हैं जो भी हम ना मूँगफली और ये जो भी नट्स होते हैं उसके कारण या तो मिल्क फिश और सर्टन फ्रूट जैसे मेडिकेशन इंक्लूडिंग वैक्सीन एंटी एंटी इन्फ्लेमेशनट्रीज एंटीबायोटिक खाने के कारण वैसा कोई दवा जो आई या कोई वैक्सीन ले रहे हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो सूजन को कम करने वाला हो है ना या तो एंटीबायोटिक खा रहे हैं या इंसेक्ट वेनम जो सांप का जहर होता है सांप काट लिया आपको पर्टिकुलरली फ्रॉम द वस्प एंड वी स्ट्रिंग है ना तो पर्टिकुलरली किस पे बोला जा रहा जो और वी स्ट्रिंग होता है जो वैस्प जो उड़ते रहता है वो घर काट लिया और वो क्या हो वेनम हो जहरीला हो उसमें ये इस तरीके का यूज करते हैं सो साइंटिस्ट स्टडीड इन इंडिकेट द फूड इंड्यूज एना इज मोर कॉमन इन यंगर इंडिविजुअल वाइल्ड ड्रग जो बोला गया स्टडी के दौरान और ये पता किया कि जो फूड के कारण जो इस तरीके का जो आ, एलर्जी होता है एनाफ्लिक्सिस के द्वारा वो मोस्टली यंग बच्चों में होता है जवान लोगों में होता है लेकिन ड्रग इंट्रोड्यूस अगर कोई दवा ले रहे उसके कारण जो आपको ये हो गया एनाफ्लैक्सिस एलर्जिक रिएक्शन वो मोस्टली जो होता है वो बुज़ुर्ग लोगों में होता है ओल्डर पेशेंट में होता है उसके बाद अगर बोला गया यहाँ की कोई डॉक्टर हिसारियाँ हैं उनके द्वारा पॉइंट किया गया कि हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो एनाफ क्सिस का जो इंसिडेंस है वो क्या है अंडर रिपोर्टेड है है ना कोई रिपोर्ट ही नहीं करता पता ही नहीं चलता है लार्जली बिकॉज द फील्ड इज स्प्रेड अक्रॉस वेरियस मेडिकल स्पेशलिटीज एंड देयर हैव नॉट बीन स्टडीज कंडक्टेड इन द कंट्री यही बोला गया कि हम ज्यादा स्टडी ही नहीं किए हैं तो आपको बस याद क्या रखना है कि नेफी नाम का एक क्या बना है नेफी नाम का एक नेजल स्प्रे बना है जो किस चीज को ओपअप करेगी ठीक करेगी एना को और एना क्या है कि एक एलर्जिक रिएक्शन है जिस जिससे लाइफ थ्रेटनिंग और एक बहुत सीवियर एलर्जी हो जाता है जिसके कारण हमारा गला चोक हो जाता है एंड लंग्स अफेक्ट हो जाता है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम अफेक्ट हो जाता है ठीक है अब चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल पे तो अगला आर्टिकल क्या बोला जा रहा है कि नया स्टडी आया है जो सजेस्ट रहा है कि लिक्विड वाटर डीप इन द मार्शियन रॉक मार्च पे जो मार्च पे जो हमारा रोबर गया था हमारा नहीं नासा का गया था तो उसके हिसाब से बोला गया कि वहां के अर्थ, वहां का जो अर्थ बोल रहे हैं वहां का जो लैंड है वहाँ का जो क्रस्ट है उसके टेन से ट्वेंटी किलोमीटर में क्या मिला है पानी मिला है तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड है रिजर्वायर ऑफ लिक्विड वाटर इन रॉकी वाटर क्रस्ट ऑफ मार्स अकॉर्डिंग टू ए न्यू स्टडी वाइल रिसर्चर्स हैव नोन अबाउट वाटर आइस एट मार्शियन पोल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव डिस्कवर्ड लिक्विड वाटर ऑन द प्लेनेट अब बोलेंगे कि हमको पानी वहाँ मिला तो हमको क्या फायदा है फायदा यह है कि जिस तरह से हम अपने अर्थ को पोल्यूट करते जा रहे हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि अर्थ रहने लायक नहीं होगा सांस लेने लायक नहीं रहेगा तो जो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन है उसको हम कहाँ मूव करेंगे दूसरे प्लैनेट्स पे मूव करेंगे वहां हम सिविला वहां जाके हम अपना सेटलमेंट करेंगे दैट्स वाई जो एक डिपार्टमेंट हमारा स्पेस का वो इधर उधर का जो भी खगोलीय पिंड है उस पर जाके वो सर्च करते हैं कि वहाँ रहने लायक है कि नहीं हैबिटेबल है, है कि नहीं तो इम्पोर्टेंट यही है, है बाकी वो किस में लिखा गया था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज मैगजीन है उसमें वहाँ का वीकली जर्नल है उसमें पब्लिश किया गया था कि लिक्विड वाटर इन द मार्शियन मिड क्रस्ट मिड क्रस्ट में आपको पता है अर्थ में भी क्या होता है कोर मेंटल और क्रस्ट होता है उसी तरीके से मार्स में भी क्या है कोर मेंटल और क्रस्ट है तो वहां के जो क्रस्ट है उसमें टेन टू ट्वेंटी किलोमीटर में क्या मिला है पानी मिला है वही बोला गया कि हाउ वज द स्टडी कैरीड आउट तो कैरीड आउट बोला गया कि नासा का जो मार्स का जो इंसाइडर इन लैंडर है वो वो टच डाउन द दा प्लैनेट इन 2018 2018 में वहाँ गया और 2022 में वो क्या हो गया रिटायर हो गया तो उसी में बोला गया कि क्या लगाया गया था सिस्मोमीटर लगाया गया था जो विच रिकॉर्डेड मोर देन 1300 हंड्रेड सिस्मिक वेव कि 1300 से ज़्यादा वो सिस्मिक वेव को क्या किया है रिकॉर्ड किया है तो डेटा हमारे पास रखा हुआ है क्रिएटेड बाई मार्थ क्विक हम लोग अर्थ पे वो क्या बोलते हैं अर्थक्विक मार्थ पे जो आ, ट्रीमर्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं मार्स क्विक और मेटोराइट्स जो इम्पैक्ट आता है उस पर जो आके टकराया उसके कारण जो अर्थक्विक आता था सिस्मिक वेव होता था वो कौन करता था इनसाइट लैंडर करता था नासा का उसी के डेटा से ये इंटरप्रेट किए हैं और क्या बोले हैं कि रिसर्चर एग्जामिन द स्पीड ऑफ द सिस्मिक वेव एंड वेर एबल टू डिटरमाइन व्हाट मटेरियल दैट वेव्स वेयर मोस्टली लाइक लू टू मूविंग थ्रू आपको पता है कि जब सिसमिक आप आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी तो आपको पता लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ से जो सिस्मिक वेव है आप पढ़े होंगे पी वेव एस वेव तो वो सॉलिड से आ, में ज़्यादा ट्रेवल करती है लिक्विड में नहीं करती है उसी तरीके से इंटरप्रेट किया गया थर्टीन हंड्रेड का जो ट्रिमर्स का जो डेटा है उसी को इंटरप्रेट करके वहां के साइंटिस्ट ने बोला टू डू सो देव ए जियो फिजिकल मॉडल आइडेंटिकल टू वन यूज टू डिटरमाइन एक्यूफर बोला गया कि उसके अंदर एक्यूफर एक्यूफर क्या होता है अर्थ के अंदर ना कहीं पे पना पानी जमा हुआ है तो वो जो जमा हुआ है ना पानी और चारों तरफ क्या है बाकी सॉलिड तो इस एरिया में जो पानी जमा हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं क्यूफर बोलते हैं ये दो तीन तरह का होता है एक होता है कि डायरेक्ट ये कहीं कहीं से रिचार्ज होते रहता है एक होता है कि चारों तरफ से रॉक के बीच में पानी जमा हुआ है ठीक है तो दो तीन तरह का एक क्यूफर होता है तो क्यूफर के बारे में बोला गया और वाइल्ड फील्ड या तो पानी हो सकता है या तो क्या मिलेगा वाइल्ड फील्ड हेयर ऑन द अर्थ एंड एम्प्लॉयड डेटा एंड एनालिसिस डेटा तो यही सब है बाकी कि वॉट आर द वॉट आर द फाइंडिंग ऑफ द स्टडी ये सब पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट ज्यादा है ना एग्जाम के लिए बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि नासा का जो मार्स पे जो लैंडर ये गया था वो क्या था उसका नाम इनसाइड लैंडर दो हजार अट्ठारह में वो टच किया था और दो हजार बाईस में वो क्या हो गया था बाईस में वो रिटायर हो गया था ठीक है अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूज आर्टिकल पे तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल जो है वो क्या है वो है प्लेसेस इन न्यूज प्लेस इन न्यूज में हम क्या देखेंगे कि इंडिया और मलेशिया का जो टाई बनने वाला है टाई पैक्ट ऑन जॉब एंड रीपार्टिशन ऑफ वर्कर्स तो उसी को हम देख लेते हैं कि मलेशिया जो है किधर है हमारे इंडिया से क्यों इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है क्यों हमारे प्रधानमंत्री इतना वार्मली वेलकम करने जा रहे हैं वहाँ के पीएम को सो दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट है ना कि हमारे बायोलिट्रल टाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पड़ोसी मुल्क से तो हम देखेंगे कि हमारा इंडिया है हमारा प्यारा भारत देश महान और ये देखेंगे ये जो ऑरेंज कलर में ये जो दो दिखाया गया है वो क्या है मलेशिया है अब मलेशिया क्या है दो आइलैंड्स का है ट्विन आइलैंड में मिलता है एक जो है लैंड बॉर्डर टच करता है और दूसरा ये जो आप देखेंगे उसको टच करता है ये कौन सा है ये बॉर्नियो है और ये क्या है ये है मलय पेनन्सुला तो ये मलय पेलन्सुला को टच करता है ये यहाँ पे क्या है ये थाईलैंड है ये पूरा किसको ये इसको क्या बोलते हैं मलय पेनसुला और ये क्या है बोर्नियो तो अगर आप देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा आपको मलेशिया कौन कौन सा है ये ये जो ग्रीन वाला एरिया ये दिख रहा है ये वाला और ये वाला है ये दो जगह को मिला के क्या बोलता है मलेशिया बनते हैं ठीक है तो मलेशिया का अगर बात किया जाए तो दो जगह एक पलेंसुला मलेशिया है और दूसरा क्या है ये वाला तो पेनसुलर मलेशिया जो है वो किससे टच करता है थाईलैंड से बॉर्डर टच करता है और पे यहाँ पे देखेंगे इसका पूछ के पास तो पूछ के पास देखेंगे लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता ये छोटा सा पिद्दी सा जो दिख रहा है ना वो क्या है सिंगापुर है अगर आप देखेंगे तो किसको में है साउथ चाइना सी में आता है ठीक है उसके बाद इसका जो कैपिटल है क्वालमपुर वो किस में आता है पनन्सुला पेनसुलर मलेशिया में ही है यहाँ पे है ठीक है यहाँ पे आप देखेंगे इंडोनेशिया से ये मेरी बॉर्डर शेयर करता है ठीक है और यहाँ पे देखेंगे क्या है स्टेट ऑफ मलक्का स्टेट ऑफ मलक्का है अगर हम इधर बात करेंगे तो ये यहाँ पे जो छोटा सा ये जो कंट्री दिख रहा है वो क्या है ब्रुनई और ब्रुनई का कैपिटल क्या है बंदर सेरी बेगाबन बंदर सेरी बेगाबन और ये जो है बोर्नियो आइलैंड पे है ये पूरा क्या है इंडोनेशिया हो जाएगा जिसका कैपिटल काली मंताना भी वहाँ शिफ्ट हो रहा है ठीक है पैसिफिक कोशन में आएगा सब इससे ज़्यादा हमको जानने का जरूरत नहीं है चलिए एक सवाल और बता दे रहे हैं कि मलेशिया जो है मलेशिया कहाँ पड़ेगा साउथ ईस्ट में पड़ेगा साउथ ईस्ट एशिया में ये क्या है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है है ना तो अगर मोनार्की की बात करें तो वहाँ कोई राजा भी होगा तो वहाँ राजा कौन है वहाँ के राजा का नाम है इब्राहिम इसकंदर अभी पी का नाम बता दिया आपको अनवर इब्राहिम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और आपको क्या बताना चलिए हम ही बता दे रहे हैं वहाँ का जो सबसे सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट कीना बालू आपको एग्ज़ाम में कभी पूछ देगा कि वेयर इज माउंट कीना बालू तो कीना बालू जो है इसमें आता है या इसमें आता है है ना तो वो कहाँ आएगा वो इसमें आएगा ये वाला में बोर्नियो वाले में वो कहाँ है बोर्नियो और मलेशिया में पड़ता है माउंट कीना वालू ये सबसे हाईएस्ट पीक है ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कहीं देखेगा कि वेर इज माउंट कीना वालू सो माउंट कीना वालू इज इन मलेशिया ठीक है तो अब चलते हैं अगला स्लाइड पे तो आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की आज आपसे जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंसर्न विद स्कर्स एंड ड्रमललिन्स आपको हिंट दे दे रहे हैं स्कर्स एंड ड्रमललिन्स क्या होता है ये लैंडफॉर्म्स का टाइप है अगर आप लोग ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो आपको पता होना चाहिए कि स्कर्स और ड्रमरिन क्या है दीज आर द ऑप्शन आपको जो भी ठीक लगे वो बताइएगा कल के एनालिसिस में हम फिर से जैसे आज डिस्कस के डिटेल में वैसे ही इसको भी डिस्कस किया जाएगा और दूसरा सवाल क्या है कि विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेस एजेंसी एम्ड एट एडवांसिंग इट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज़ अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी कैपेबिलिटीज़ के लिए स्पेस एजेंसी बनाने का सोचा है वो ऑप्शन है पहला सऊदी अरेबिया यूनाइटेड अरब इमरेट्स कतर एंड इसराइल आपको जो भी ठीक लगे ये कल का न्यूज है इसमें से आपको जो ठीक लगे वो आंसर बताइएगा बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग है ना आंसर कमेंट करिए फिर मिलते हैं कल थैंक यू सो मच